जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि आप सभी का गुरु रजनीश ऋषि जी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां आज की चर्चा का विषय है कि सितंबर 2022 का महीना आप सभी लोगों के लिए किस प्रकार रहने वाला है। सितंबर 2022 में तीन मुख्य ग्रह सूर्य, शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन में हर क्षेत्र पर पड़ेगा। इसलिए इसकी विस्तार से चर्चा आज के हम इस प्रोग्राम में करेंगे। ये राशि परिवर्तन शुभ नहीं है भक्तगणों, इससे आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए कुछ उपाय भी करने की यहाँ पर जरूरत है, जो मैं इस प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूं इस प्रोग्राम में अंत तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस मासिक राशिफल के कार्यक्रम में आपके जीवन के सभी जरूरी क्षेत्रों की चर्चा विस्तार से की जाती है, फिर वो चाहे आपकी इनकम हो, जॉब की पोजीशन हो, यहाँ पर आपका व्यवसाय कैसा रहने वाला है, भाग्य कितना साथ देगा, साथ साथ शादी विवाह के क्या योग बन रहे हैं, संतान प्राप्ति के क्या योग बन रहे हैं, पढ़ाई के संदर्भ में स्टूडेंट्स कैसा महसूस करेंगे, कैसी उनकी प्रोग्रेस रहने वाली है, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय कैसा है, घर मकान माता पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से समय कैसा रहने वाला है, ये सभी चर्चा हम इस प्रोग्राम में करते हैं और ये सभी आपके हितों के लिए की जा रही है। तो भक्तगणों, सभी बातों को जानने के लिए अंत तक हमारे इस वीडियो में आप जरूर बने रहें। साथ साथ मैं आप सभी के लिए जनता दरबार की जो सूचना है उसको दोहराना चाहूंगा, उसको बताना चाहूंगा। ये जो जनता दरबार है भक्तगणों, आप सभी भक्तगणों के अनुरोध पर शनि पीठ मंदिर में लगाया जा रहा है, जहां पर मुफ्त में हम अपने सभी भक्तगणों को जीवन में आ रही हर परेशानी के उपाय बता रहे हैं। यहाँ पर एक रुपया भी फीस में आपसे नहीं लिया जा रहा है और हर गुरुवार, हर शनिवार, हर रविवार को ये जनता दरबार आप सभी भक्तगणों की सुविधा के लिए शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में लगाया जा रहा है। यदि आप मुझसे मिलकर अपनी परेशानी के उपाय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस जनता दरबार में रविवार के दिन पर शिरकत कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये जनता दरबार आपके लिए लगाया जाएगा। भारी से भारी संख्या में आकर इस जनता दरबार की जो अपॉर्चुनिटी है उसका लाभ उठाएं, अपने जीवन में आ रही परेशानियों को ज्योतिष के अति वैज्ञानिक शास्त्र के माध्यम से, उसकी विद्या के माध्यम से मैं आपकी मदद करने का संपूर्ण प्रयास जरूर करूंगा। हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, अब हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सितंबर 2022 का ग्रह गोचर किस प्रकार रहने वाला है, जो कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर भी अब देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पूर्व मेष राशि के भाव में राहु देवता विराजमान है। इसके बाद पूरे महीने राहु देवता यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। फिर हम आगे चलते हैं वृषभ राशि में, जिसके मालिक शुक्र हैं और शुक्र की राशि में मंगल ग्रह पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। इसके बाद तीसरा और चौथा भाव मुख्य ग्रहों से इस महीने वंचित रहने वाला है। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जो कि सिंह राशि का भाव है, जिसमें सूर्य देवता
17 तारीख तक यहां पर गोचर कर रहे थे अपनी ही राशि में, परंतु इनका राशि परिवर्तन होने वाला है और 17 तारीख के पश्चात ये कन्या राशि में आकर निवास करने वाले हैं। वहां पर शुक्र देवता भी पंचम भाव में ही महीने की शुरुआत में निवास कर रहे थे, जो कि 24 तारीख को यानी कि 24 सितंबर से यहां पर अपनी नीच राशि कन्या राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब ये एक खराब संकेत है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र पहले तो अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, वहीं पर उनके शत्रु सूर्य देवता भी यहाँ पर निवास करने वाले हैं। तो ये दोनों मिलाकर आपके लिए एक अशुभ संकेत दिखा रहा है। यहाँ पर कन्या राशि में छठे भाव में बुध देवता, जो कि अपनी उच्च राशि में विराजमान थे, वो 10 तारीख से यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। जब तक ये वक्री रहेंगे तब तक शुक्र देवता का नीच भंग नहीं होगा। जब तक नीच भंग नहीं होगा तब तक आपको अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। आगे चर्चा को बढ़ा रहे, बात करते हैं सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में चंद्रमा और केतु दोनों ही ग्रह विराजमान है। इसमें केतु तो पूरे महीने यहां पर तुला राशि में विराजमान रहने वाले हैं, परंतु चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं और यहां पर परिवर्तन करके महीने के अंत में वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। यानी कि पूरा एक चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में यहां पर 1 अक्टूबर को गोचर कर रहे हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो नवम भाव मुख्य ग्रहों से वंचित है। इसके बाद शनि दशम भाव में विराजमान है, मकर राशि में, अपनी ही राशि में, परंतु वो वक्री अवस्था में। इसी प्रकार 11वां भाव, जो कि कुंभ राशि का भाव है, मुख्य ग्रहों से वंचित है। और 12वां जो भाव है, जो कि मीन राशि का भाव है, वहां पर बृहस्पति इस पूरे महीने विराजमान है। वैसे तो ये अपनी ही राशि में विराजमान थे, परंतु इस समय पे ये वक्री चल रहे हैं और इसका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से होने वाला है। तो भक्तगणों, यहां पर जो सबसे खतरनाक स्थिति जिसका निर्माण हो रहा है वो सूर्य शुक्र और वक्री बुध का कन्या राशि के अंदर जो गोचर इस महीने के मध्य से शुरू होगा, वो यहां पर सबसे ज्यादा सतर्कता बरतने वाला समय साबित होने वाला है। और इस समय पर कौन सा उपाय आपको करना है, इसकी विस्तार से चर्चा इस प्रोग्राम में हम करेंगे। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। आगे चर्चा को बढ़ा रहे हैं, बात करते हैं जॉब की दृष्टि से या अपने व्यापार की दृष्टि से हालात कैसे रहने वाले हैं आपके वर्क प्लेस या जॉब मिलने की कितनी संभावनाएं हैं या फिर प्रमोशन मिलने की कितनी संभावनाएं हैं। तो इसके मालिक चंद्रमा देवता हैं, हर 2.5 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। महीने की शुरुआत में लग्न भाव में केतु से ग्रसित होकर चंद्रमा विराजमान। इनके अगर हम शुभ दिनों की बात करें कि कौन से दिनों में चंद्रमा आपको शुभ फल प्रदान कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है 13 या 14 तारीख के आसपास आपको कुछ शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद कहीं जाकर 23 तारीख के आसपास में मैं कहूँगा ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। 23 सितंबर के आसपास का समय जॉब प्रमोशन की दृष्टि से या फिर मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर की दृष्टि से या फिर वर्क प्लेस पर लिए जा रहे किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन की दृष्टि से शुभ रहने वाला है। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आप सभी के लिए एक शक्तिशाली चमत्कारी
सुदर्शन लॉकेट को लेकर। यह सुदर्शन लॉकेट जो आप अपने गले में धारण करके अपने जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों को धीमे धीमे करके दूर कर सकते हैं। इस सुदर्शन लॉकेट के अंदर सभ्यस्त नवग्रह देवताओं का रतन या उपरतन लगा हुआ है। प्रत्येक रतन उस ग्रह देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों के द्वारा स्वयं मेरे द्वारा अभिमंत्रित है, प्राण प्रतिष्ठित है और जागृत है। साथ ही साथ इसके नीचे जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक इस पृथ्वी पर उपस्थित रतन है, जिसे हम गोमती चक्र के नाम से जानते हैं। ये गोमती चक्र भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है, जो आपकी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने में समर्थ है। इस शक्तिशाली गोमती चक्र वाले सुदर्शन लॉकेट को धारण करने वाला व्यक्ति धीमे धीमे करके अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करते हुए अपने जीवन में सुख शांति सौभाग्य और आनंद की प्राप्ति करता चला जाता है, अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करता चला जाता है। धीमे धीमे करके उसकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती चली जाती हैं। तो वो सभी व्यक्ति जो मेरा वीडियो देखते हैं, वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे मेरे वीडियो के बीच में आप ही लोगों के बहुत सारे वीडियो लगे होते हैं, जिसमें आप जैसे भाई बहन बोल रहे होते हैं कि उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए उपाय से किस प्रकार से अभूतपूर्व फायदा उठाया है, उनकी परेशानियां किस प्रकार से अभूतपूर्व रूप से दूर हो गई हैं और वो निरंतर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह सब परमपिता परमात्मा की उस साधना के फल स्वरूप है जो मैं पिछले 32 वर्षों से उनके मंत्रों की, विभिन्न मंत्रों की साधना नित्य प्रति करता हूं। उस साधना के फल स्वरूप मेरे को जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसी शक्ति से यह दिव्य सुदर्शन लॉकेट को मैं मंत्र सिद्ध करता हूं, प्राण प्रतिष्ठित करता हूं और जागृत करता हूं। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए इस लॉकेट के साथ साथ उन सभी लोगों को लिए जो इस लॉकेट को खरीदेंगे, उनको प्रभु साधना की अनुपम अनमोल पुस्तक जो आपको पूरी दुनिया में हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका एक एक शब्द मेरे स्वयं के द्वारा रचित है। जिस साधना को मैं पिछले 32 वर्षों से कर रहा हूं, वही साधना अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर मैं आप सभी लोगों को सुपुर्द करता हूं, ताकि आप इस साधना के बल पर अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट कृपा, डायरेक्ट आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकें। इस अद्भुत पुस्तक में, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं के विभिन्न प्रकार की साधनाएं प्रॉपर तरीके से बताई गई है, प्रॉपर साधना की डिटेल दी गई है, उस साधना के फलस्वरूप आप अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की दिव्य कृपा निरंतर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह साधना की पुस्तक हमारे मंदिर की ओर से, शनिपीठ मंदिर की ओर से निशुल्क वितरण के लिए है। जो व्यक्ति यहाँ आकर इस पुस्तक को फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है, वो बिना किसी चीज के आकर ले जा सकते हैं। किंतु जो लोग खाली इस पुस्तक को घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक पोस्टिंग, पोस्टेज का कोरियर चार्जेज और शिपिंग और पैकेजिंग के जो खर्चे हैं, वो उनको अवश्य ही देने पड़ेंगे। तो जो भी व्यक्ति इस अद्भुत और चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट को अपने नाम की पूजा के अनुसार मंगवाना चाहते हैं, मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित जागृत जिसे मैं स्वयं करता हूं, उसे घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिना किसी झिझक के आप इस सुदर्शन लॉकेट के लिए हमें स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट मोबाइल ऐप पर भी जाकर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर मोबाइल ऐप आ रही है, एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस लॉकेट के लिए
आप वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यह दिव्य सुदर्शन लॉकेट आपको घर बैठे, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आपको अवश्य भेज दिया जाएगा। जय शनिदेव। दिल्ली से आया था, YouTube पे इनका एडवर्टाइजमेंट देख के कितना दरबार में, इन्होंने कोई मैसेज चार्जेस नहीं लिया, बहुत अच्छे से आराम से तसल्ली से मेरी बात सुनी, राय बताए और कोई चार्ज नहीं लिया। मैं स्वामी राजेश से मिला था, बहुत तसल्ली मिली, अच्छा था। आगे चर्चा को बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ हो, लाइफ पार्टनर के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ। तो मंगल देवता जो कि इस समय पर अष्टम भाव में विराजमान है, क्या दर्शा रहे हैं कि रिलेशनशिप्स किसी चेंज से गुजर रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलाव उनमें आ रहा है, कुछ ना कुछ एक दूसरे के प्रति जो आपकी सोच है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव इस समय पर मुझे नजर आ रहा है। पहले कुछ कंफ्यूजन की स्थिति काफी समय से उत्पन्न हो रखी थी, हो सकता है इस बदलाव के बाद वो सिचुएशन क्लियर आउट हो, आपके रिलेशनशिप्स में सुधार हो, ऐसी संभावनाएं यहाँ पे नजर आ रही। प्रैक्टिकल डिसीजन इस समय पर आप अपनी रिलेशनशिप्स में ज्यादा लेंगे, इमोशनल डिसीजंस मुझे कम नजर आ रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपकी रिलेशनशिप के लिए अच्छा साबित हो सकता है। चलिए भक्तगणों, बात कर लेते हैं अब उस उपाय की जिसे करके सितंबर 2022 को आप अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। तो मेरा सुझाव यहाँ पर होगा कि आप यहाँ पर शुक्र देवता ही सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं, विशेष तौर पर क्योंकि शुक्र सूर्य के घर में विराजमान है, सूर्य उनके दुश्मन ग्रह बन रहे हैं, फिर वो अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये पूरा महीना शुक्र की दृष्टि से खराब जा रहा है। तो शुक्र देवता को इस समय पे प्रसन्न करना अत्यंत जरूरी बन जाता है। तो देखिए, शुक्र देवता को मजबूत करने के लिए मैं आपको नित्य प्रतिदिन दही से स्नान करने की सलाह दूंगा। नहाने के पानी में 2 चम्मच दही आप मिलाकर स्नान करें, इससे शुक्र देवता मजबूत होंगे। साथ ही साथ इत्र का प्रयोग करें, ये भी आप लोगों के लिए बहुत शुभ फल लेकर आ सकता है, शुक्र देवता को मजबूती प्रदान करेगा। इसके साथ साथ शुक्र देवता के बीज मंत्र का नित्य प्रतिदिन एक माला जब भी शुक्र देवता को आपकी कुंडली में बल देगा और उनके अशुभ प्रभावों को हर लेगा। तो शुक्र देवता का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इसका एक माला जब नित्य प्रतिदिन जरूर है। चलिए भक्तगण, आज की इस चर्चा को तो यहीं पर विराम दे रहे हैं। आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जनता दरबार की सूचना को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जनता दरबार हर गुरुवार शनिवार और रविवार को आपकी सुविधा के लिए शनिपीठ मंदिर में लगाया जा रहा है। 1 रुपया भी आपसे फीस में नहीं लिया जाएगा, मुफ्त में सभी जातक ज्योतिष परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क। चलिए भक्तगणों, अब आप लोगों से विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी अगले महीने, तब तक के लिए जय शनिदेव।